हेलो एवरीवन। तो अगर आपको खाने का टेस्ट नहीं आ रहा और दाल सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा है, ऊब चुके हैं, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने कुछ हरी मिर्च ली है, नॉर्मल जो हम सब्जी वाली मिर्च लेते हैं, उसको धो के हम इसके डंठल अलग कर देंगे और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इस रेसिपी को ठेचा कहा जाता है और ये कहाँ की डिश है अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। तो इस तरह इसको छोटे टुकड़े मैंने कट कर लिया है। अब गैस पे रखेंगे हम पैन और इस पे डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल, तो सरसों का तेल ही डालना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। तो जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे जीरा। तेल थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया उसमें से। तो जब जीरा थोड़ा भून जाए तो डालेंगे हरी मिर्च और साथ में लहसुन की कलियाँ, और उसके बाद इसमें डाल देंगे मूंगफली के दाने। तो मैंने 2 चम्मच मूंगफली के दाने ऐड किए हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद अच्छे से कलर आने तक, मूंगफली भुन जाने तक इसको हम रोस्ट करेंगे। तो मैंने एक अच्छी मूंगफली डाली है इसलिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पे इस तरह से रोस्ट कर लूँगी अच्छे से। तो रोस्ट करने के बाद इसमें डालूँगी नमक, और नमक चाहे तो ऊपर से भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं इसको। तो बस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, और जब हल्का सा ठंडा हो जाए तब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो इसको हाथ से जो कूटने वाला होता है उसमें क्रश भी कर सकते हैं, और चाहे तो मिक्सी में इस तरह से दरदरा ग्राइंड करना है, हमें बहुत बारीक नहीं करना है। तो हरी मिर्च का ठेचा बन के रेडी है। तो इसको मैं खाने वाली हूँ रोटी के साथ। तो मैंने रुकरमा गरम रोटी में लगाया देसी घी और इसको एंजॉय करने जा रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।